Hello friends, welcome to my channel. मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, कौन से साइड को इफेक्ट करता है और क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी जानकारियाँ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं उसके लिए ट्रीटमेंट्स बताऊँगी। तो आप ट्रीटमेंट देखने से पहले एक बार मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है। तो आज मैं सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आती हूँ। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है जॉइंट्स पेन के लिए, आर्थराइटिस के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से सिम्टम से कौन सी मेडिसिन वर्क करती है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन होती है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का जो पेन होता है आपके जॉइंट्स का, वो स्पेशली जो पेन होता है ब्रायोनिया का, कि आपको दबाने से आराम लगता है, रेस्ट में आराम लगता है, ऐसी जो स्टिफनेस और पेन को में अगर आप ब्रायोनिया मेडिसिन लेते हैं ये बहुत अच्छा वर्क करती है। देन इसके बाद मेडिसिन आती है कैल्केरिया कार। अगर आपकी ओबेसिटी की वजह से आपको आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुई है, जैसे कॉजेज में मैं बताया है कि ओबेसिटी भी एक कारण होता है, ज़्यादा वेट होना जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स पर ज़्यादा भार पड़ता है और उसके कारण आपके कार्टिलेज वहाँ के डैमेज होते हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन होती है कैल्केरिया कार। साथ ही साथ कैल्केरिया कार पेशेंट जो होते हैं उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठंड से उनको एग्रावेशन होता है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कैल्केरिया कार के। देन उसके बाद मेडिसिन आती है रूटा। कहीं पे भी अगर आपका नर्व्स टेंडन्स का डैमेज हुआ है, कार्टिलेज का डैमेज हुआ है, तो रूटा मेडिसिन जो होती है बहुत अच्छा वर्क करती है आपकी, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे जॉइंट्स में हो, चाहे नी में हो, कहीं पर भी हो आपका रूटा मेडिसिन वर्क करती है। देन उसके बाद आती है सल्फर। सल्फर मेडिसिन भी बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ आती है कॉस्टिकम मेडिसिन। कॉस्टिकम मेडिसिन ऐसा है कि जहाँ पर भी आपको हीट एप्लीकेशन से बहुत आराम लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर मेडिसिन हो जाती है आपकी कॉस्टिकम। कॉस्टिकम मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि नर्व्स पे भी वर्क करती है। अगर वहाँ पर थोड़ा सा आपको पैरालिसिस टाइप का वीक पैर लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपकी मेडिसिन हो जाती है कॉस्टिकम। और जनरली ये जो मैं मेडिसिन बताई हैं चारों, ये मेडिसिन सबसे अच्छा वर्क करती हैं आपके नी जॉइंट्स पे। देन अब मैं आती हूँ जो मेडिसिन हैं जो कि आपके हिप जॉइंट पे भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं, आपके वेस्ट बैक लोअर बैक पे जो वर्क करती हैं स्पेशली, तो वो मेडिसिन हो जाती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ मेडिसिन जो है आपके कोई भी कमर में, जो कि वहाँ पर मसल्स ज़्यादा होती हैं, मसल्स में स्पास्मोडिक पेन ज़्यादा होते हैं, तो वो ऐसी जगह पे कोलोसिंथ मेडिसिन, मैकफोस मेडिसिन जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। देन साथ ही साथ रस्टॉक्स मेडिसिन। रस्टॉक्स मेडिसिन जो होती है, अगर वो स्पेशली आपको ठंड के समय पे, बारिश के समय में, ऐसे समय पे ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपको ऐसा पेन होता है जब आप कभी भी, जैसे मॉर्निंग में आप रेस्ट कंडीशन में, कभी भी रेस्ट की कंडीशन के बाद जैसे ही उठते हैं और फर्स्ट टू सेकेंड स्टेप जो आपके काफ़ी पेनफुल होते हैं, और फिर आफ्टर मूवमेंट्स के बाद में, सम मूवमेंट्स के बाद में थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है, तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं वो रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छा कवर करती है। और रस्टॉक्स मेडिसिन अगर आप लेते हैं कंटिन्यू, तो वो जो है आपको बहुत अच्छे पेन किलर की तरह वहाँ काम करती है, क्योंकि मैंने होम्योपैथिक पेन किलर्स पर भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो पेन के होते हैं और पेन ही दूर करना होता है, तो किस टाइप के पेन के लिए कौन सी मेडिसिन होती है ये मैं आपके लिए पहले भी दूसरा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देखें। देन कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे पल्सेटिला। पल्सेटिला जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, साथ में साथ ही साथ ये इसमें ऐसे पेन्स होते हैं जो कि वंडरिंग करते हैं, मतलब एक चेंज करते हैं पोजीशन को, जैसे कि आज आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो कल दूसरे जॉइंट्स में पेन होगा, थर्ड डे आपको थर्ड जॉइंट में पेन होगा, और फिर फोर्थ डे आपके फिर वापस फर्स्ट वाले जॉइंट में पेन हो जाएगा, तो इस तरीके के जो पेन्स होते हैं वो पल्सेटिला बहुत अच्छा कवर करती है। बट ये थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है कि साथ ही साथ जो ऐसी फीमेल्स होती है थोड़ी माइल्ड होती है, जेंटल होती हैं और थोड़ी पीवियस होती है, मतलब जल्दी रोना आ जाता है उन लोगों को, वो ऐसी फीमेल्स में पल्सेटिला मेडिसिन जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। देन इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं, जैसे एंटीम क्रूड हो गया आपका, बेंजोइक एसिड हो गया,
कलकर या फ्लोर मेडिसिन हो गई, तो ये जनरली फिंगर्स जॉइंट्स पर बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जहाँ पर मैंने बताया कि फिंगर्स में स्पेशली आपने देखा होगा जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वहाँ पर नोड्स बन जाते हैं, बड़े बड़े एक हार्ड नॉट बन जाती है, फॉर्मेट हो जाती है, तो एंटी क्रूड हो गया, कलकरी या फ्लोर मेडिसिन हो गई, तो ये आपके फिंगर्स जॉइंट्स पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ मेडिसिन ऐसे होती है जैसे कि मेडोराइनम, थूजा, ये सारी मेडिसिन भी आपको बहुत अच्छा वर्क करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो आज मैंने बहुत सारी मेडिसिंस बताई आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, कि जिसमें जॉइंट्स के हिसाब से भी बताया कि कौन से जॉइंट्स में कौन सी मेडिसिन वर्क करती है, किस सिम्टम्स में कौन सी मेडिसिन वर्क करती है। तो ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ अगर ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, ऑलरेडी आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका चल रहा है और आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरे आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, क्योंकि मेरी जो लाइव क्लिनिक के शेड्यूल्स होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं, उसी में शो होते हैं, उसी में आते हैं। थैंक यू।